नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। देखिए बच्चों, हम हिंदी रीडर के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था प्रभाती, अर्थात सुबह के समय जो श्रमजीवी होते हैं, जो मेहनत करके अपने घर को चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते, उनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट चैप्टर में हमने कश्मीरी सेब पढ़े थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक इंसान की जागरूकता की वजह से वह धोखा नहीं खाता, और यदि वह जागरूक ना रहे तो कोई भी उसे धोखा दे सकता है। तो दोनों चैप्टरों से हमने कुछ ना कुछ सीखा। तो आज जो हमारा चैप्टर है पार्ट 3, बुद्धि बड़ी या पैसा, इससे भी हम कुछ सीखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ हमारे निजी जीवन में यदि हम उनकी जो हमें सीख मिलती है उन्हें अपनाएं, तो शायद हम अपने अंदर अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये बुद्धि बड़ी या पैसा जो हमारा 3rd चैप्टर है, इस ये बुंदेलखंडी लोक कथा है। कैसी लोक कथा है? बुंदेलखंडी लोक कथा। देखिए, चाणक्य ने इस कथा के बारे में कहा है, कभी कभी हम उन लोगों से शिक्षा मिलती है, यानी कभी कभी हम उन लोगों से भी सीख जाते हैं जिन्हें हम अभिमान वश, जिन्हें हम घमंड के वशीभूत होकर अज्ञानी समझते हैं। अर्थात चाणक्य ये कहता है कि ज्ञान जो होता है वो हमें जहां से मिलता है वहीं से लेना चाहिए। हमें घमंडी होकर ये सोचना चाहिए कि ये इंसान छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, क्योंकि जो ज्ञान की बातें होती है ना, जो नॉलेज होती है, वो कहीं से भी मिल सकती है। क्योंकि आपको पता है हर इंसान का IQ लेवल अलग अलग होता है, हर इंसान की सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। तो कौन सा इंसान किस बात को किस तरीके से देता है, ये उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें हमेशा किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके दो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ डिस्कस करने से क्या होगा बेटा, शब्दार्थ डिस्कस करने से जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, पहला शब्दार्थ है संपन्न। संपन्न का अर्थ होता है बेटा धनवान। नेक्स्ट है अहंकारी। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। मद, मद का अर्थ होता है नशा। बूते, बूते अर्थात बल पर, इसके बल पर। चौपट होना का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना, एकदम खत्म हो जाना। निंदा सुनकर, निंदा का अर्थ होता है बुराई, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना ऐसे, तो निंदा सुनकर, बुराई को सुनकर। धरोहर का अर्थ होता है बेटा अमानत। जैसे हम किसी को कोई चीज रखते हैं अपनी, तो अपनी धरोहर रखकर उससे काम करवाते हैं। धरोहर में गिरवी शब्द भी होता है, गिरवी में हम उसे कुछ देकर पैसे लेते हैं, सेम धरोहर है, उसमें हम पैसे ले भी सकते हैं और नहीं भी लेते हैं। दवा खाना का अर्थ होता है औषधालय, अर्थात अस्पताल, जहां पर दवाइयां मिलती हैं। पिंड छुड़ाना का मतलब होता है पिंड छुड़ाया, किसी चीज से पीछा छुड़ाना। दस्तूर का अर्थ होता है रिवाज, और लज्जित होने का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू क्लास। देखिए, अक्सर लोग पैसे का घमंड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है वे पूर्णतः समर्थ होते हैं, किंतु सच्चाई इससे अलग है। क्योंकि जरूरी नहीं जिनके पास पैसा हो वो अपने आप में पूर्ण हो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, किसी में पैसे की पूर्णता होती है तो किसी में ज्ञान की पूर्णता होती है। तो अगर किसी के पास ज्ञान की पूर्णता है तो वह पैसे कमा सकता है, लेकिन किसी में यदि ज्ञान की अपूर्णता है तो वह पैसे होते हुए भी गरीब है, क्योंकि ज्ञान सबसे मेन चीज है दुनिया में। बुद्धि के बिना रुपया पैसा सब व्यर्थ होता है, व्यर्थ अर्थात बेकार होता है। जिसके पास बुद्धि है वह जितना चाहे पैसा कमा सकता है। वह पैसे वाला व्यक्ति बिना बुद्धि पर जो उसके पास होता है वह भी क्या कर देता है, गवा देता है। अर्थात पैसे का बल नहीं होता इंसान के अंदर, इंसान के अंदर बल किसका होना चाहिए, ज्ञान का, उसकी नॉलेज का। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। किसी देश में एक राजा राज करता था, वह बहुत संपन्न और अहंकारी था, अर्थात वह बहुत धनवान भी था, साथ साथ घमंडी भी था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं, यानी पैसे के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। वह सबसे यही कहता कि संसार में धर्म, कर्म, स्त्री पुरुष, मित्र, सखा, सब पैसे हैं। सब वो सोचता था कि जो भी चीजें इस संसार में है वो हम सब कुछ पैसे से ले भी सकते हैं और पैसे से दे भी सकते हैं, यानी सब कुछ पैसे से लिया या दिया जा सकता है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद अर्थात घमंड में डूबा हुआ था। मद यानी नशा भी होता है और घमंड भी होता है। परंतु उसकी रानी बहुत बुद्धिमती थी, बुद्धिमती अर्थात विद्वान स्त्री। आपको पता है यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो मेल को हम बुद्धिमान कहते हैं, और जब हम
लिंग परिवर्तन करते हैं, मैंने आपको लिंग वाला चैप्टर डिस्कस करवाया, याद होगा आपको कि मान की जगह हम मति लिखते हैं, तो बुद्धिमान की जगह हमने क्या लिया, किसी फीमेल के लिए बुद्धिमती। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ मानती थी, जो वाकई में सत्य बात है, पैसा वाकई में तुच्छ होता है और बुद्धि वाकई में श्रेष्ठ होती है। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते पर उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर चलती है। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है पैसा? अब रानी तो मानती ही बुद्धि को थी, तो पैसा क्यों मानती? तो देखिए, वह बोली, महाराज यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ी समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही इस संसार के सारे खजाने, जिसके पास बुद्धि नहीं होती उसके खजाने नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि राजपाट भी चौपट हो जाता है। पैसे की इस प्रकार की निंदा सुनकर, पैसे की बुराई सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, रानी तुमने अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर से बाहर एक मकान में रख दिया। और आपको पता है राजा ने क्या किया? राजा ने रानी को कुछ नहीं दिया, इवन उसके गहने भी उतरवा लिए, उसके जो महंगे गहने थे, जो था, सब कुछ उतरवा लिया। और सिर्फ एक दास के साथ, एक नौकर के साथ उसे, जो उसका शहर था, जो उसका नगर था, उसके बाहर एक मकान में रख दिया। अब देखिए होता क्या है, नए मकान में जब रानी पहुंची तो नौकर से उसने दो ईंटें मंगवाई। क्या मंगवाई? दो ईंटें। और उन्होंने उन दो ईंटों को सफेद कपड़े में लपेट कर और अपने नाम की मोहर लगा दी। भाई रानी थी तो उसके नाम की मोहर चलती थी, ऐसे साइन चलते हैं टीचर्स के नाम के, बड़े लोगों के नाम के, यदि हम साइन करते हैं तो वो चीज वैलिड हो जाती है ना, सेम वैसे ही उसने अपने नाम की मोहर लगा दी, तो वो जो ईंट थी व्हाइट कपड़े में वो वैलिड हो गई। अब देखिए क्या हुआ, नौकर को बुलाकर उसने कहा कि तुम इस धरोहर को धन्नू सेठ के पास ले जाओ, कोई उनके नगर में सेठ होगा उसके पास ले जाकर दो, और उससे कहना कि यह रानी ने भेजी है, और इसकी एवज में क्या दो, इसके बदले मुझे 10,000 रुपए दो, कुछ दिनों में तुम्हारे रुपए सूद समेत तुम्हें लौटा दिए जाएंगे। अब देखिए नहीं भी लौटा दिया जाए तो भी रानी की मोहर थी उसके पर, रानी ने उस पर मोहर लगा ली थी, तो वो चीज तो वैसे भी वैलिड थी, धन्नू सेठ वैसे भी मना नहीं करने वाला था। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा, धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझ गया कि कोई ना कोई कीमती जेवर होगा। सेठ को क्या पता कि राजा और रानी के बीच में कौन सी बात हुई है। सेठ ने सोचा कि रानी ने भेजे हैं तो जरूर उनके जेवर ही होंगे, क्योंकि राजा रानी तो जेवर ही रख सकते हैं और तो कुछ होता नहीं है। तो देखिए उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए। रुपये लेकर नौकर रानी के पास आया, रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। रानी स्वयं व्यापार की देखरेख करने लगी, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री थी, बुद्धिमती स्त्री, सॉरी बुद्धिमती स्त्री थी, तो अपने सारे जो बिजनेस था वो खुद देखती थी। थोड़े दिनों में उसने इतना धन कमा लिया कि सेठ के सारे रुपए भी चुक गए और काफी रुपए बच गए। इन रुपयों से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवा खाना खोला, अर्थात औषधालय खोला, अस्पताल खोला, पाठशाला पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल खोला, अनाथालय खोले, जो जिनके कोई माता पिता नहीं होते या जिनके लोग कोई होता नहीं है उन लोगों के लिए उसने अनाथालय खोला। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के पास बहुत सारे मकान बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वहां सारी सुविधाएं मिलती थी, जहाँ सुविधाएं मिलती है वहीं लोग रहते हैं। तो देखिए इधर रानी के जाने के बाद राजा अकेला रह गया। अब अकेला रह गया तो राजा को सलाह कौन देता उसके राजकार्य में? तो अब क्योंकि धूर्त जो थे ना, उनकी दाल तो रानी के सामने गलती नहीं थी। अब उसके चले जाने के बाद जो धूर्त लोग थे, जो राजा को बेवकूफ बनाते थे, उनकी चल निकली। वो राजा को बेवकूफ बनाते और अपना उल्लू सीधा करते, राजा को लूटने लगे, क्योंकि अपनी बातों से राजा को मनवाते और फिर राजा को लूटते थे। राजा अपना मन बनाने के लिए सारे राजकार को मंत्रियों पर छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर शिकार पे चला गया। अब देखिए निहटन का मतलब क्या होता है, देश को घूमने के लिए जाते समय नगर के बाहर उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काने आदमी ने राजा से कहा कि मैंने अपनी एक आंख आपके पास दी हुई रखी थी, या तो मुझे मेरी आंख दो और नहीं तो मैं आपके पैसे दे रहा हूँ, मुझे पैसे, मुझे आंख दो। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा मेरे पास किसी की आंख वाख नहीं है, तो मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, ठग मतलब ठगने वाला व्यक्ति, वो कहते हैं राजा को बिना ठगे छोड़ देता, राजा तो वैसे भी बेवकूफी था। महाराज मैं मंत्रियों क्या जानू, मैंने आंख आपके पास रखी थी तो मैं तो आपको ही जानता हूँ, यदि आप मेरी आंख नहीं देंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। बदनामी क्यों होगी, राजा था, कोई कहता राजा ने सामान लिया और दिया नहीं तो राजा की बदनामी तो होने ही वाली थी। तो देखिए राजा बड़ा परेशान, राजा ने बदनामी के डर से जैसे तैसे 4,000 रुपए देकर उस ठग से अपना पीछा छुड़ाया। थोड़ी दूर आ गया, निकला
दूसरा ठग मिल गया, क्योंकि एक बार ठग लिया दूसरा भी ठगे गई, काम ही उनका यही होता है। पहले ठग के सामने राजा कहने लगा, महाराज मैंने अपना एक कान आपके पास दी भी रखा था, अब देखिए पहले ने कहा आंख रखी थी, दूसरे ने कहा कान रखा था, अब रुपया लेकर मेरा कान वापस दीजिए। राजा ने उसे भी रुपया दिया और विदा कर दिया। राजा पता था कि ये मेरा किया छोड़ने वाला नहीं है, मेरे पास इसका कान इस वक्त है भी नहीं। तो जैसे उसने आंख वाले व्यक्ति से, आंख वाले ठग से अपना पीछा छुड़ाया, उसी प्रकार राजा ने कान वाले व्यक्ति से भी पीछा। इस प्रकार राजा के रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपये एटेट कर चले गए, और राजा जो भी लाया था सब ठगों ने लूट लिया, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। अब राजा खाली हाथ पहुंचा राजकुमारी चौबेला के देश में। अब राजकुमारी चौबेला कौन है, ये थर्ड कैरेक्टर है इस चैप्टर का। फर्स्ट कैरेक्टर कौन था, फर्स्ट पहला पार्ट कौन था, राजा, दूसरा पार्ट रानी, बाकी नौकर वोकर सब ठीक है, लेकिन मेन किरदार, और तीसरा मेन किरदार कौन है इस चैप्टर का, राजकुमारी चौबेला। अब राजकुमारी चौबेला क्या है, राजकुमारी चौबेला एक सिंह देश की राजकन्या थी, राजा की बेटी थी, राजकन्या थी। उसने प्रण रखा था कि जो मुझे शतरंज में हरा देगा मैं सिर्फ उसी व्यक्ति से शादी करूंगी, और जो मुझे हरा नहीं पाएगा उसको मैं जेल की हवा खिलाऊंगी, यानी जेल खाने में बंद कर दूंगी। अब सैकड़ों राजकुमार आते और रानी से हार कर कहां जाते, जेल की हवा खाने, जेल में। राजकुमार भी मुसीबत का मारा था, देश में पहुंचा, चौबेला की सुंदरता देखी तो उसके साथ विवाह करने की इच्छा हुई। राजकुमारी के महल से दूर एक बंगला बनवा दिया गया था, विवाह करने वाला व्यक्ति उस बंगले में ठहरता, और फिर राजा भी उस बंगले में पहुंचा। पहले रानी ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी कि कौन आया है, तो राजा आया है आपसे शादी करने के लिए। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया राजा की बांह पर बैठा, उसके गले में एक चिट्ठी थी जिसमें विवाह की शर्त लिखी थी। शर्त क्या थी, यदि तुम शतरंज में हार गए तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी के महल में राजा को बुलाया गया, खेल शुरू हुआ, राजा हार गया और शर्त के अनुसार वो जेल में भेज दिया गया। राज्य की हालत बिगड़ने लगी, राजा नगर छोड़कर जाने का समाचार सुनकर रानी को मालूम हुआ, क्योंकि रानी को पता ही था राजा शहर में नहीं है, राजा उसके नगर में नहीं है, उसे बहुत दुख हुआ। राजा का निकाल लगाने के लिए बह निकली, कुछ दूरी पर उसे वही काना इंसान मिला जिसकी आंख नहीं थी, जिसने राजा को ठगा था वही व्यक्ति मिला। कहने लगा, रानी साहिबा आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी, अब अपने रुपए लेकर मेरी आंख वापस दे दो। अब आपको पता है राजा तो था बेवकूफ मूर्ख, लेकिन रानी थोड़ी थी। रानी ने कहा ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारे लोगों की आंखें हैं, अब तुम्हारी आंख कितने किस प्रकार की है, छोटी है कि बड़ी है कि मोटी है कैसी है, अपनी दूसरी आंख निकाल कर दो, मैं तुम्हें जैसे तुम्हारी दूसरी आंख होगी उसके साइज की आंख तुम्हें वापस दे दूंगी। ठग बड़ा घबरा गया रानी की बात सुनकर। ठगने का ये तो बड़ी, ये तो मुझे ठगने लग गई है। अब वह माफी मांगने लगा रानी से। अब रानी ने कहा कि मैं तुम्हें माफ तो करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि रानी समझ गई थी। तो अंत में ठगने 4000 रुपए देकर हाथ जोड़कर रानी से विदा ली, यानी ठगने 4000 रुपए दिए रानी को। अब देखिए कानवाला ठगाया, कानवाले ठग की बात सुनकर रानी का नौकर दूसरा कान काटने वाला था, क्योंकि रानी ने कहा दूसरा कान भी काट लो इसका, फिर हम जब अपने नगर जाएंगे तो कान के साइज का कान देकर इसको दे देंगे। ठग को बड़ा लगा, वह भी रानी को 4000 रुपए देकर अपना पेट छुड़ाकर भाग गया। अब देखो ठगों से निपट कर जब रानी आगे पहुंची तो पता लगा उसे कि जो राजा है वो कहाँ है, राजकुमारी चौबेला के देश में, उनकी जेल में। रानी को बहुत दुख हुआ, उसने राजा छुड़ाने की सोची, उसने एक पुरुष का वेश बनाया और राजकुमारी चौबेला के महल में पहुंची। अब शर्त वही थी कि जो शादी करेगा उसे पहले शतरंज खेलनी पड़ेगी, हार गया तो जेल की हवा और जीत गया तो शादी। अब राजकुमारी और रानी की क्या हुई, शतरंज की बाजी शुरू हुई विवाह की। अब हुआ क्या कि राजकुमारी चौबेला रानी शतरंज में हार गई, क्यों, रानी थी बुद्धिमान तो रानी शतरंज में जीत गई थी। अब विवाह की शर्त के अनुसार क्या था कि दोनों की शादी होने वाली थी, तो रानी ने कहा कि विवाह तो शर्त पूरी हुई तभी हो गया था, अब भावड़े पढ़ने का जो रिवाज दस्तूर है, भावड़े ने फेरे वेरे पढ़ने का दस्तूर है, वो हमारे नगर में जाए कर लेंगे। रानी ने कहा ठीक है। अब रानी ने क्या किया, जो राजकुमारी से चौबेला ने, वह सवेरे राजकुमारी चौबेला को विदा किया उन्होंने रानी ने, और अपने साथ हाथी घोड़े दास दासी और बहुत सारा धन लेकर अपने नगर को चली। कुछ दिनों तो वह अपने नगर में पहुंची कुछ दिनों बाद, और नगर में पास पहुंचने के बाद मकान में ठहर गई। अब देखिए राजा जब लौटकर अपने नगर आए तो देखते क्या है कि नगर के पास तो रानी ने बहुत सारे अस्पताल दवाखाने बहुत सारे पाठशाला स्कूल बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। राजा को बड़ा अजीब लगा कि इतनी इमारतें कैसी बनी।
रानी को तो मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था, उसने ये लाखों की इमारत कैसे बनवा ली। राजा को रानी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। राजा ने फिर लज्जित किया, उसे शर्मिंदा, राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और कुछ देर बाद सोचकर रानी से कहने लगा, रानी अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबेला का विवाह राजसात हुआ। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। ये बुंदेलखंडी लोक कथा है बच्चों, और इस लोक कथा के जरिए हमने ये सीखा कि इंसान के अंदर पैसे का मद नहीं होना चाहिए, मद तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, नशा तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर यदि कुछ होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, अपने ज्ञान की पावर, अपने नॉलेज की पावर होनी चाहिए, जिसके दम पर वह अपने आप को स्टैंड कर पाए। ओके, तो आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।